पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही है। यह जानकारी कंपनी ने खुद एक बयान जारी करके दी है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि उसने कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। कंपनी ने कर्मचारियों को निकालने के फैसले को अपने रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा बताया है। पेटीएम अपने कर्मचारियों को क्यों निकाल रही है और कितने कर्मचारियों की छटनी होगी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मार्केट की कुछ सुर्खियाँ। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब डिजिटल पेमेंट के मैदान में भी उतर आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 30 मई को जियो फाइनेंस ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने कहा कि उसकी इस पहल का इरादा हर वर्ग के लोगों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर फाइनेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराना और वित्तीय सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी और किफायती बनाना है। कुछ दिनों पहले खबरें आई थी कि अडानी ग्रुप पेटीएम को खरीदने वाला है। अब इस पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 197 कम्युनिकेशंस और अडानी ग्रुप ने उन सभी मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी फिनटेक कंपनी पेटीएम में हिस्सा खरीदने के लिए पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शर्मा से बातचीत कर रहे हैं। इस साल मई में कारों की बिक्री के आंकड़े सामने आने के साथ ही मारुति सुजुकी ने टाटा मोटर्स को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल मारुति सुजुकी की स्विफ्ट मॉडल बिक्री के मामले में नंबर वन कार बन गई है, जबकि अप्रैल 2024 में सबसे अधिक बिकने वाली कार टाटा पंच थी। हमेशा की तरह इस बार भी टॉप 10 सेलिंग लिस्ट में मारुति सुजुकी के 7 मॉडल हैं। इसके अलावा लिस्ट में टाटा मोटर्स, ह्युंडई और महिंद्रा की गाड़ियों ने भी अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। फिनटेक कंपनी पेटीएम के शेयर में 10 जून को 4% से अधिक की तेजी देखी गई। यह स्टॉक 3.49% की बढ़त के साथ 394 रुपए के भाव पर ट्रेंड कर रहा था। यह लगातार तीसरा दिन है जब कंपनी के शेयरों में उछाल आया है। इन 3 दिनों में कंपनी के शेयर 16% से अधिक भाग चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक अपनी ग्लोबल मौजूदगी बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक इस योजना के तहत दुबई में रहने वाले भारतीयों तक अपनी पहुंच प्रदान करने के लिए अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलेगा। दुबई में प्रतिनिधित्व कार्यालय खोलने के लिए बैंक के बोर्ड सदस्यों की मंजूरी भी मिल गई है। सुर्खियों के बाद बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम ने मार्च महीने में संकेत दिए थे कि वो अपने कर्मचारियों की संख्या में करीब 15-20% की कटौती कर सकती है। उस वक्त सामने आई खबरों में अनुमान लगाया गया था कि वर्क फोर्स में इतनी कटौती किए जाने पर 5-6 हजार कर्मचारियों की छटनी हो सकती है। मार्च तिमाही के दौरान भी कंपनी ने अपने कर्मचारियों की संख्या करीब 3500 कम की थी। पेटीएम के मार्च तिमाही के नतीजों में बताया गया था कि पिछले 3 महीनों में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या करीब 3500 से घटकर 36521 रह गई है। कंपनी ने इसे मुख्य तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं पर लगाई गई रोक का असर बताया था। आरबीआई ने 15 मार्च से पेमेंट बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक के खाते वॉलेट फास्टैग में डिपॉजिट क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया था। पेटीएम ने जनवरी मार्च तिमाही के दौरान 500 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया था, जबकि एक साल पहले इस अवधि में कंपनी का घाटा 167 करोड़ रुपए था। 197 कम्युनिकेशन ने अपने बयान में कहा है कि कंपनी अपने नॉन कोर बिजनेस में कटौती करेगी और एआई की मदद से कंपनी के कर्मचारियों की संख्या घटाई जाएगी। कंपनी इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए काम करेगी। पेटीएम का नुकसान वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में बढ़कर लगभग 550 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में यह 169 करोड़ रुपए था। क्रमिक आधार पर नुकसान तीसरी तिमाही के लगभग 220 करोड़ रुपए के मुकाबले 2 गुना हो गया। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 1417 करोड़ रुपए का नुकसान दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2023 में लगभग 1777 करोड़ रुपए था। कंपनी की शुद्ध आय सालाना आधार पर चौथी तिमाही में 2.6% घटकर लगभग 24000 करोड़ रुपए रह गई, जो वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में लगभग 2465 करोड़ रुपए थी। बयान के मुताबिक पेटीएम के एचआर डिपार्टमेंट ने इसके लिए करीब 30 ऐसी कंपनियों के साथ संपर्क किया है जो अभी हायरिंग कर रही है। बयान के मुताबिक जिन कर्मचारियों ने कंपनी के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत इस्तीफे दे दिए हैं और अपनी जानकारी शेयर की है, उन्हें दूसरी जगह जॉब दिलाने में मदद की जा रही है। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि उसके इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का असर कितने कर्मचारियों की नौकरी पर पड़ रहा है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि वो कर्मचारियों के बकाया बोनस का भुगतान भी कर रही है ताकि पूरी प्रक्रिया में हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि उसके इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का असर कितने कर्मचारियों की नौकरी पर पड़ रहा है। कंपनी ने यह दावा भी किया है कि वो कर्मचारियों के बकाया बोनस का भुगतान भी कर रही है ताकि पूरी प्रक्रिया में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।